मेरा बेटा चला जाए वही बहुत है, कपिल शर्मा में चला जाए, दम होगा तो आ जाएगा, और तो क्या है, अलग क्या है मेरे पास, बिलीव इन कर्मा, कर्म वो तो। वो भी सबके साथ है, नहीं कोई कम कर्म करता है ना, कोई आलसी होता है ना, तो फिर मेरा तो होने नहीं वाला, क्योंकि मैं तो आपका ही बेटा हूँ। तो क्या कहना मम्मी पापा मार रहे होते एक दूसरे को तो फिर वो बोलते कि अभी बड़े हो के मारी नहीं। आप औरत हो ना, हाँ उनको बताना, तो ऐसा वो बोल रही है कि मेरी मम्मा मेरे को मार देगी, ऐसा ही करना पड़ेगा, मारना बदमी अगर मैं कोई लड़की प्रेग्नेंट कर दूं तो। चलो रेडी हो आप आज के लिए, उनको नींद आ रही है। बाय द वे मम्मी आजकल वायरल हो रखी है इंस्टाग्राम पे, थैंक्स टू यू। पढ़ो क्या लिखा है, माय रोल इन फैमिली मैटर। ये तो मेरे लिए मैंने अलग से डाला है ये, ऐसे हाँ 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 सब तेरे लिए ही होता है, हमेशा खुद को रिलेट करो। पर्सनल बात करनी होती है, हमें ऐसे ही दूध दही लेने भेज देते हैं, अपने घर में पड़ोसी जैसा फील करते हैं हम। जाओ यार। तो मत, ये हंसने वाली नहीं है बात। हाँ सही बात है, ये हंसने वाली नहीं है पर ये, हाँ हंसने वाली है। अच्छा अरे ना? बच्चों को दूर कर रहे हो आप और कुछ नहीं, बच्चे फिर गलत ले लेते हैं, फिर मम्मी पापा मार रहे होते हैं एक दूसरे को तो फिर वो बोलते हैं कि हम ही बड़े होके मारे नहीं है, तो इसीलिए करते हैं हम ऐसे। अरे चाहिए क्या औरत को, आप औरत हो ना, हाँ मेरे को बताना तो। अरे चाहिए क्या औरत को, जब मन किया बुलाया, जब मन किया छोड़ दिया, जब मन किया फिर बुला लिया, तूने मुझे इस लाइन में नहीं समझा कि एक बार बात कर ले, मुझसे बात करती है क्या सर, क्या नहीं दिया आपने, अगर मोहब्बत है इसलिए तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में खड़ा हूँ। नहीं समझ आया यार, क्या करा ये, क्या दिखाया मुझे? उन्होंने बताया कि वो इतना प्यार करते हैं उनसे, पर वो ऐसे वो कर रही है। तो तुम्हारी भी कोई गलती होगी ना, ऐसे क्यों करेगी? अच्छा तो मेरी वाली क्यों छोड़ के गई, मेरी क्या गलती थी? तूने उसको प्रपोज ही नहीं किया, सबसे बड़ी गलती तो तू इसको बिठा के बुलाता ऐसे हाथ पकड़ के आई लव यू ऐसे तूने बोला नहीं, तो बस चली गई ना। दूसरी वाली जो थी उसके लिए पूछ रहा हूँ, तो सेटिंग करने की कोशिश कर रहा था ना, पर कोई कहाँ थी जो छोड़ के जाएगी यार। आप सेट हो रही है कोई देर से लड़की, कुछ नहीं हो रही, चल तू यही सेट कर बस। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं इससे छोटी हूँ, मैं इससे छोटी हूँ, मैं इससे छोटी हूँ, और सबसे छोटी कहाँ है ये नहीं। स्टार्ट करो। क्या मतलब, मतलब क्या इसका हुआ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, मैं बताना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 600 रुपए किए, वो 1000 किए। क्या? नहीं नहीं बता, मुझे समझ में नहीं आया, यही था, बेकार था। चलो ये बेकार क्यों था? बेकार था, अपना प्राइस बता रही है ना, मतलब वो उन्होंने क्या बताया, मतलब लोगों ने बताया ये, वो किसी ने ऐसे वो मस्ती मजाक में वीडियो बना रही है और इन लोगों ने ऐसे लिख दिया है। अच्छा तो सही है, लगती है जैसे की नहीं महंगी है। ठीक है, सो अगर सेंटा एक दिन से रियल होते तो आप सेंटा से क्या एक चीज मांगते? बच्चे भी बड़े बदमाश हैं। ये मेरा बचपन नहीं लग रहा? नहीं तू नहीं था ऐसा, नहीं तो घर में थोड़ी ना होऊंगा वैसे भी। टीनेज गर्ल फाइंडिंग आउट देयर प्रेग्नेंट, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं ना, टीनेज जो ऐसे अभी 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 बड़ी हुई हैं, उनको ये पता पड़ रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। यू प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड, नो डॉक्टर, माय मॉम्स गोना किल मी। इसकी मम्मी उसको मार देगी, ऐसा वो भी बोल रही है कि मेरी मम्मा मेरे को मार देगी। ऐसा ही करना पड़ेगा, मारना बच्चे। हरियाणा के थोरे आगे। यू प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड, नो डॉक्टर, My mom's gonna kill me. Same. समझे अब? क्या? ये जो है ना, ये लड़की है, ये टीनेज लड़की है, ये प्रेग्नेंट हो गई है, ये डॉक्टर को बोल रही है मेरी माँ मेरे को मार देगी। फिर इसके अंदर के बच्चे के ऊपर फोटो आई, बोल रही है कि हाँ मेरी माँ भी मेरे को मार देगी। हाँ समझे, क्योंकि ये छोटीपन में ही प्रेग्नेंट हो गई, तो माँ को बताएगी तो माँ मारेगी ना। उसने ऐसे मजाक में बोला, पर वो सच्ची बोला ना उसने तो। You know, a lot of things changed when my girl got pregnant. बहुत सारी चीजें बदली जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई। बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। Like my name, number, address. समझे? नंबर कैसे, एड्रेस? उसने नाम चेंज करवा लिया, नंबर चेंज कर लिया, उसने घर बदल लिया। लड़की को छोड़ दी। हाँ। कुत्ता। सही है ना? नहीं क्यों सही है, शादी कर लेता है ना उससे। अरे वो अच्छी नहीं होगी ना, तो क्यों उसके साथ ये करा? वो तो उनको पता, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बेकार लोग, अगर मैं ऐसा करूँ तो दिक्कत है क्या भाई? ये सब काम करना याद आता है, शादी करना याद नहीं आता है क्या? शादी करके उसी के साथ घर बसा, एड्रेस चेंज कर लिया ना, ये चेंज कर ली, बड़ा खुशी से बता रहा है। अरे पर एक ही क्यों लड़का, तो क्या 10 रखते हैं क्या? तो दिक्कत क्या है पर 10 में, मन लगा रहेगा ना। ओ अल्लाह दी ओ माची अल्लाह। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हो गया? हे हे हे,
अरे कैसे हाथ कट गया बेटा, रुक मैं दवा लेके आती हूँ तेरे लिए। माँ मैं तो मजाक कर रहा था। माँ मुझे करंट लग गया, बचाओ माँ। ये लड़का अभी ना हमेशा परेशान करता रहता है, जाके देखो एक बार उसे। नहीं जाऊंगी मैं, हमेशा मजाक करता रहता है। सही में मर गया। मम्मा वीडियो है, हंसने की बात नहीं है। अरे वीडियो है, नहीं मार रहा है वो। हाँ नहीं तो अब ऐसे सच में बच्चे करते हैं ना ऐसे मस्ती, तो ऐसे हो तो मरना डिजर्व करते हैं वो। कोई नहीं डिजर्व करता, कोई कुछ भी मस्ती करे। विवान बहुत गंदी चीजें दिखाता है तुम्हें को। चल आगे बढ़। तूने इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी मेरी। इरफान क्या हुआ, क्यों अपने छोटे भाई को मार रहा? अरे चाचा ये एक लड़की से प्यार करता था। तो क्या हुआ, आजकल के बच्चे ये करते ही हैं। मोबिन चाचा जिससे ये प्यार करता है उसको इसने प्रेग्नेंट कर दिया है, माँ बनने वाली है वो। तो क्या हुआ, अबॉर्शन करवा दो और मैं एक दो बदमाशों को जानता हूँ, कहो तो लड़की को मरवा दे या फिर उस लड़की को उल्टे सीधे इल्जाम लगा देंगे, ये बच जाएगा वो फंस जाएगी। अरे चचा आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, वो कोई और नहीं आप ही की बेटी है। हाँ तो आप क्या बोल रहे थे उस दिन, किसकी बेटी को मरवाना है? मम्मी अगर मैं कोई लड़की प्रेग्नेंट कर दूँ तो उससे शादी भी करनी पड़ेगी। ऐसे मत बोलो यार, उसको प्रेग्नेंट करने की अकल आती है, शादी करने की नहीं आती है। शादी क्यों करना है, गलती से तो प्रेग्नेंट हो सकते नहीं तो फिर क्यों शादी क्यों करना है, क्यों गलती करनी क्यों है? बाकी तो तुमको सब कुछ पता है, नेट पे सब मालूम चल रहा है। तो अगर आप एक दिन के लिए शिनचान होते तो आप किसको पिक करते, भाईचान को या नैनी को? शिनचान की बहन को। पिक करते मतलब ले जाते कहीं क्या? नहीं नहीं अरे मतलब उसको किसको चूज करता वो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? ऐसा ले कितना शाना निकला लड़का। शाना क्यों निकला, ये अच्छा थोड़ी ना है। उसने बोला कि अगर आप शिनचैन होते तो अच्छा। फिर सही है? नहीं है ये ना, क्या गलत बोल रहा है बेचारा बच्चा। तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना। राजस्थानी कपल सेलिब्रेटिंग देयर फिफ्थ मैरिज एनिवर्सरी। ये इतने से बच्चों को 5 साल हो गए शादी को, तभी तो वो राजस्थान के है ना कपल, बचपन में ही बाल विवाह। इतना बाल विवाह होता है क्या? कि पैदा होते ही करवा दिया था क्या? वहाँ ऐसे ही होता है मम्मा, कोई नहीं होता। हाँ अरे सही है, तभी तो वो देखो ना इतने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं उनकी शादी को, उनकी एनिवर्सरी को, पीछे सारी ये ऐसे ही बनाया है इन्होंने, कोई नहीं। नहीं नहीं अरे ऐसा ही होता है राजस्थान में, ऐसा ही कल्चर चलते आ रहा है, चल रहा है। अरे आपको कैसे पता, आप गए आप राजस्थान? नहीं पर फिर भी। पर शादी तो आपकी तो बचपन में हुई थी ना, मैं इतनी छोटी नहीं थी। बताना चाहोगे उधर? कुछ नहीं बता रही मैं, मैंने बता दिया है मेरा बाल विवाह हुआ था। कब हुआ था? 17 साल में। अभी देखें मीम देखें फिर। गाड़ियाँ नहीं चाहिए ना, गाड़ी अच्छी सी देते तो स्प्लेंडर है। आपको क्या चाहिए दहेज में? मुझे भी 2-3 कारें, बाइक, मुझे भी 2-4 करोड़ जो दहेज देगा वो आ जाए इसकी गर्लफ्रेंड बनते। गर्लफ्रेंड में दहेज नहीं देना होता है। हाँ तो शादी उसी से करवा देंगे, हाल फिलहाल गर्लफ्रेंड बन जाए फिर शादी करवा देंगे, फिर दहेज ले लेंगे। डिवोर्स करके आधा डिवोर्स क्यों दे देंगे? देखो सुनो ना, देखो सुनो सुनो स्कीम सुनो सुनो पागल, स्कीम ये होती है कि हमेशा आता रहेगा शादी करके रखना। सुनो सही नहीं, 4 करोड़ जैसे अपन ने उसके बाप से लिया, अब साल भर में कितना ही खर्चा करा लेगी वो बेचारी। हाँ बेचारी तो फिर उसको साल भर बाद 6 महीने बाद दे दिया डिवोर्स, आधे पैसे तो वो लेके जाएगी, तो 2 करोड़ आया ना। नहीं माँ बाप तुझे डिवोर्स दे देंगे ऐसी बातें करेगा तो चल चुपचाप से डिवोर्स दे। नहीं क्यों चल, अरे सही है ना, सुनो ना सुनो सुनो हाँ। हर साल 2-2 करोड़ आते रहेंगे ना ऐसे, एक साल 4 करोड़ आने। पापा भी बता रहे थे हमको कि लड़की होना कितना जरूरी है हर घर में। हाँ पापा क्यों जरूरी है लड़की होना? लड़की होना बहुत जरूरी है। क्यों? स्टेशन पर जाओ लाइन लगी रहती है, बैंक जाओ तब लाइन लगी रहती है, सब जगह लाइन ही लाइन है। अच्छा तो काम इनके इजी हो जाते तो लड़की होनी चाहिए। हाँ लड़कियों से भी काम के लिए तो होती है, लड़के होते काम के लिए तो लड़कियाँ नहीं होती। किस काम के लिए? ये जो सारे काम बता रहे हैं तो वो लड़के होते हैं इन कामों के लिए, लड़कियों को थोड़ी ना भेजा जाता है। तो लड़कियाँ क्या करती है? मुझे नहीं पता, देखो आपके पास जवाब भी नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं आता। मेरे पास बेटे हैं तो मेरे बेटों का जवाब है। आप खुद तो लड़की हो ना? हाँ तो क्या हुआ, मैं लड़की हूँ तो आप बता सकते हो ना लड़कियाँ क्या करती है? नहीं नहीं हम कुछ करते ही नहीं। Just a Bhopali trying to feel nostalgic. Ek baar gir gaye waise bande kahan hai? ये सुन के मर गया। बाय द वे मम्मी भोपाल में थी जब ये हुआ था। आप मम्मा भोपाल में जो हुआ था तो आप मरे नहीं? आयुष मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, तुम्हें उसका सही उत्तर देना, ठीक है? 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अबे नहीं आता राज।
जीरो हमें नहीं आता है। उसको नहीं आता है ना, तो बचा ही नहीं ना कुछ। अरे पर उसको नहीं आता, यही तो नहीं आता है। पानी में डुबा के मारेंगे। पता है आपको तो कोई भी मिल सकती है। मुझे कोई भी मिल सकती है? हाँ। तो फिर आप मेरे से शादी करेंगी? कर ले सरमान से कोई शादी नहीं कर रहा, तू ही कर ले। आप थोड़ा अपनी जुबान को लगाम दो, मेरा चैनल उड़ा देंगे ये लोग। मतलब इसके बाद दो चार और फिर यार, ये मेरे को मेरी वाइफ के साथ करना, मैं जरूर करूंगा एक बार, पक्की बात। हम ही कर लेंगे अपनी बहू के साथ। हाँ आप लोग तो बिल्कुल करोगे। हाँ देखें पूरा ऐसा घर सजा के रखेंगे, हाँ। उसको लेके जाएंगे, हाँ। उसकी फेवरेट जगह, फेवरेट जगह मतलब। आजकल की लड़कियां देखी नहीं है? नहीं, नहीं देखी, तभी तो अकेला पड़ा हूं। सर सब मुझे लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा तो मैं पीरियड्स हो गए, ठीक है तो फिर खोल के दिखाओ।